केंद्र सरकार ने आज बजट 2024-25 पेश कर दिया है। ये बैलेंस बजट है जिसमें युवाओं महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई हैं। ऐसी प्रतिक्रिया नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई। साथ ही महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी योजना नीति की, मध्यम वर्ग के लिए बजट अच्छा है। अच्छे बजट पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को धन्यवाद नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। नमस्कार, मैं स्वप्निल अहिरकर, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट। हा बजेट 24-25 मोदी सरकार इलेक्शन झाल्यानंतर हा पहिला बजेट आहे त्यांचा। 5 वर्षाचा कार्यकाल का राहणार आहे ते बघून, आणखी इन्फ्लेशनची मात्रा बघून हा बजेट आलेला आहे। आमची अपेक्षा पुढे ह्या बजेट जो सगळे लोक सांगत आहे की बॅलन्स आहे, त्याला त्याच्यामध्ये पण इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते आम्हाला असं वाटत आहे। हा बजेट छान आणलेला आहे, बॅलन्स आणलेला आहे। इन्फ्लेशनला बघून ह्या बजेटमध्ये एम्प्लॉयमेंट वाढवासाठी स्कीम्स आणलेली आहे, स्किल डेव्हलपमेंट, MSME बिझनेस कसं वाढू शकते त्याच्यामध्ये स्कीम्स आणलेली आहे, मध्यम वर्गीय लोक मिडल क्लाससाठी स्कीम्स आणलेली आहे। मला असं वाटलं ह्या बजेटमध्ये बिहार आणखी आंध्र प्रदेशसाठी मोठे बूस्ट स्कीम्स आणलेली आहे, महाराष्ट्रासाठी कमी आहे। पण आम्ही अपेक्षित आहो का महाराष्ट्रासाठी नेक्स्ट बजेटमध्ये काही स्कीम्स आणन हे लोक, पण ह्या वेळेला महाराष्ट्रासाठी काही मोठी स्कीम्स दिसली नाही। इंटर्नशिप 500 मोठी कंपनी सांगत आहे सरकार का लोकांना इंटर्नशिप देणार आहे, आणखी त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होऊ शकते। कस्टम ड्युटीज गोल्डमध्ये कमी केलेली आहे, ती एक मोठी बातमी आहे। आम्हाला असं वाटते ही हे बजेट मध्यम वर्गीयांसाठी छान बजेट आहे, आणखी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सेसमध्ये काही जास्त चेंजेस नाही केले आहे, पण अपेक्षित आहो की नेक्स्ट बजेटमध्ये हे चेंजेस होईल। इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। इस बजट से हर सेक्टर को फायदा होगा। मेडिकल डिवाइस, सोना, मोबाइल पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है, इससे भी फायदा होगा। मैं अर्जुन दास आहूजा, अध्यक्ष नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स। आज जो हमने ये बजट का कार्यक्रम रखा, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने रखा है, आज के इस ग्लोबल इकोनॉमिक के मुश्किल दौर में जिस प्रकार का अच्छा काम किया है उसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बधाई देता हूँ। स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना आज के युग में बहुत ही जरूरी है, इससे युवाओं के लिए काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। और मैडम ने युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस किया है जो आप सबने सुना देखा, और 152 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए जो दिया है इसके लिए भी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो कि किसान है, उससे काफ़ी हमें मदद मिलेगी। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी ऊपर लाने की सख्त ज़रूरत है। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। एग्रीकल्चर, MSME, एग्रीकल्चर सभी में अच्छा जो है काम किया गया है, या जो भी निर्णय लिए गए, जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा। मेडिकल और मेडिकल इक्विपमेंट, गोल्ड, मोबाइल, इसके अंदर भी कस्टम ड्यूटी जो कम किया है वो भी सराहनीय कदम है। और भी देश के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं, इस निर्णय को हम सराहना करते हैं नाग विदर्भ चेंबर की ओर से। बजट में देश के लिए अच्छे फैसले लिए गए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इसकी तुलना में महाराष्ट्र के लिए कम योजनाएं बनाई गई है। ऐसा कहते हुए नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा यह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट होने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।